बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम फाइलम काइनेटोमेटा को स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले आज से पहले तीन लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटोमेटा की क्लासिफिकेशन जो है वो की थी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो लिविंग काइनोडर्म्स हैं दे आर डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लासेज, और इन्हीं सिक्स क्लासेज को अब हम जो है वो वन बाई वन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जी, फाइलम काइनेटोमेटा की जो क्लासिफिकेशन के बाद आज हमारे पास जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले हम जो क्लास स्टडी करेंगे, दैट इज क्लास एस्टेरॉइडिया, क्लास एस्टेरॉइडिया। और ये जो क्लास एस्टेरॉइडिया है, इसका आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें जो एनिमल्स हैं उनकी हम ओरल और एब ओरल सर्फेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस क्लास का वाटर वैस्कुलर सिस्टम, फिर आगे चल के न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर जो है वो गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, और लास्ट में हम बात करेंगे सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द क्लास एस्टेरॉइडिया, क्लास एस्टेरॉइडिया। और लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के अंदर स्टार फिशेज या जिन्हें हम सी स्टार कहते हैं वो शामिल हैं। क्योंकि अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो एस्टर जो है ग्रीक वर्ड है, एस्टर मीन स्टार, तो इसी से आपने ध्यान में रखना है कि इसमें स्टार फिश और सी स्टार शामिल हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इनकी 1500 स्पीशीज हैं स्टार फिशेज की, और इनकी जितनी भी स्पीशीज हैं दे लिव ऑन हार्ड सबस्ट्रेट, दे आर बॉटम ड्वेलर। ठीक है, और बॉटम ड्वेलर होने के साथ साथ जिस सबस्ट्रेट पे ये स्टार फिशेज प्रेजेंट होती हैं, दैट सबस्ट्रेट इज हार्ड। और एक एस्टिमेट के मुताबिक ये जो स्टार फिशेज हैं दे आर प्रेजेंट अबाउट 6000 मीटर डेप्थ, समंदर के अगर हम सरफेस से काउंट करें तो 6000 मीटर डेप्थ पे ये जो स्टार फिशेज हैं प्रेजेंट होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इनका आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, दीज आर ब्राइटली कलर्ड। ये जो स्टार फिशेज एनिमल है ये ब्राइटली कलर्ड है, दे मे बी रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड सम स्टार फिशेज दे मे हैव ग्रे शेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो अभी आपको मैंने यहाँ बताया कि इंट्रोडक्शन हमने करना है क्लास एस्टेरॉइडिया का। उसके बाद ये जो स्टार फिश है, अगर हम इसकी सरफस देखें तो एक सरफस इसकी ओरल सरफस है और दूसरी एब ओरल है। ओरल आप जानते हैं विच कंटेनिंग माउथ, ओरल सरफस दैट इज वेंट्रल और लोअर एंड दैट कंटेन माउथ, और इसके बाद जो सेकेंड सरफस है दैट इज एब ओरल। एब ओरल जो है that is dorsal or upper and where anus is present, yani opposite to oral surface jo hai that is aboral. Do surfaces ho gayi, oral and aboral. Theek hai, aur ye starfish hai, ye aapko ne lecture number 3 mein bhi dikhai thi. Ye dekhen, ye agar aap thoda sa is pe gaur kare to ye underwater ek iski picture li gayi hai starfish ki, and that is present in on the hard substrate. ठीक है, और ये रेड कलर की स्टार फिश है। ये स्लाइड में आप देखें, मैंने आपको बताया कि जो स्टार फिशेज हैं दीज आर ब्राइटली कलर्ड, तो इट मे बी रेड, ऑरेंज और ब्लू। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है दैट इज रेड वन। ठीक है, तो इसकी दो सर्फिसज हैं, ओरल एंड एब ओरल। अच्छा जी, अब इन दोनों सर्फिस को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट है दैट इज ओरल सर्फस, ओरल सर्फस द सर्फस विच कंटेन माउथ, और ओरल सर्फस की जो सेंट्रल पार्ट है ये दिस वन, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्क, और इसी से सेंट्रल डिस्क के आर्म निकलते हैं। और ये स्टार फिश आपको नजर आ रही है इस टाइम स्लाइड में, दैट कंटेन फाइव आर्म, इट हैज फाइव आर्म्स। ठीक है, फाइव आर्म जो विच रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। और ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनमें स्टार फिश में फाइव से ज्यादा आर्म भी हो सकते हैं, दे मे हैव 6 to 7 आर्म, एंड इवन सम स्पीशीज दे हैव 10 to 15 आर्म्स। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल ये आप स्लाइड में देख सकते हो, जिसका नाम दिया हुआ है लेबी डाइस्टर एनुलेटस, लेबी डाइस्टर एनुलेटस। ये स्टार फिश की एक स्पीशीज है विच कंटेन ओवर 50 आर्म्स, दिस स्टार फिश is with 50 arms. तो ये आपको मैं छोटी assignment दे रहा हूँ,
ये लेबियस्टर एनुलेटस जो है, इसका नाम आपने गूगल पे लिखना है और इसकी आप लोगों ने खुद से इसका इमेज देखना है, ठीक है। बल्कि आप लोगों ने इसको इमेज खींच के जो ना मुझे भेजना भी है, ताकि मुझे चले आप लोग वाकई काम कर रहे हो। और दिस स्टार भी जो है दैट हैज मोर देन 50 आर्म्स। अब जो ओरल सर्फस है, इस पे स्पाइंस भी होते हैं। स्पाइंस जो है दे मे बी मूवेबल और मे बी फिक्स्ड, ठीक है। इसके अलावा एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डर्मल ब्रैंकी। डर्मल ब्रैंकी दैट इज थिन वॉल्ड प्रोट्रूजन ऑफ बॉडी कैविटी। डर्मल ब्रैंकी इज द थिन वॉल्ड प्रोट्रूजन ऑफ द बॉडी कैविटी एंड इट परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन। अच्छा, ये तो होगी जी माउथ वाली सर्फस जिसको हमने नाम दिया था ओरल सर्फस। माउथ के बाद जो दूसरी सर्फस थी दैट इज एबोरल। एबोरल इज दैट सर्फस विच कंटेन एनस, ठीक है। और एबोरल सर्फस पे पेडिसिलरी होते हैं। इसका नाम पहले भी आया था पेडिसिलरी। आपको मैंने कहा था कि ये एक डिफेंसिव ऑर्गन होते हैं। पेडिसिलरी सिंगुलर है, इसकी प्लूरल होती है पेडिसिलरी। पेडिसिलरिया सिंगुलर है, प्लूरल है इसकी पेडिसिलरी, ठीक है। ये रेंच लाइक क्ला है, क्ला जिसको हम पंजा भी कहते हैं, पंजा रेंच। ये आपको पता है बॉयज जानते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेंच जो है। और पिंसर लाइक अपेंडिजेस विद जॉज, ठीक है। बेसिकली इसका इंजेशन में रोल है। पेडिसिलरी इज इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड में पेडिसिलरी का रोल है। तो ये आप नोट फरमा लें, पेडिसिलरी इज इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये वो डायग्राम है जो आपकी मिनर हार्ले आपकी बुक में से ली गई है। दैट इज द बॉडी वॉल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्टार फिश, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास अम्बुलेक्रल ग्रूव है, ठीक है। ये अम्बुलेक्रल ऑसिकल्स हैं, कालकेरियस हैं। और ये जो सारे का सारा जहाँ मैं मेरा एरो मूव कर रहा है इस टाइम, दैट इज एम्पूला। एम्पूला आपने पढ़ा था, सक्शन लाइक आपको होता है, ठीक है। फिर ये पूरी बॉडी वॉल में ये गुनेड्स हैं, ये पेयर की फॉर्म में, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फिर ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया ये देखें आप, रेंच लाइक स्ट्रक्चर है। आपको भी मैंने पिछली स्लाइड पे यहाँ पे बताया था रेंच और क्ला। तो ये देखें आप रेंच और क्ला, ठीक है। और ये डर्मल ब्रैंकिया इधर भी है, इधर भी है। डर्मल ब्रैंकिया जो है दैट इज रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, ठीक हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं जी। एस्टेरॉइडिया के जो पेडिसिलेरिया है उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्ट्रेट पेडिसिलेरिया, दूसरे हैं क्रॉस्ड। जो स्ट्रेट है दैट इज लार्जर ऑन बॉडी सरफेस, और जो क्रॉस्ड है दैट इज स्मॉलर ऑन स्टाक। क्रॉस्ड जो है दीज आर स्मॉलर ऑन स्टाक, ठीक है। नहीं जी, अभी तक हमने जो बात की है, अगर मैं इसको आपको रिवाइज करूं, हम शुरू हुए थे जी यहाँ से क्लास एस्टेरॉइडिया का इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया। क्लास एस्टेरॉइडिया में स्टार फिश, सी स्टार शामिल है, इनकी स्पीशीज बताई है आपको। फिर इसकी सरफेस के बारे में बताया, दो सरफेसिज हैं ओरल एंड एबोरल, ठीक है। दिस वन इज अ स्टार फिश। ओरल सरफेस मैंने आपको बताया कि उसमें आर्म्स हैं, फिर इसमें डर्मल ब्रैंकी है। एबोरल सरफेस जो है दैट कंटेन पेडिसिलेरिया, ठीक है, विच इज द दिस वन दैट इज द ऑर्गन विच इज यूज इन इंजेशन ऑफ फूड। फिर ये आपको बताया कि पेडिसिलेरिया की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन पे स्ट्रेट और नंबर टू पे जी क्रॉस्ड। अब हम बात करेंगे जी एस्टेरॉइडिया क्लास के वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है दैट इज अ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर आइनोडर्म्स की बॉडी में सर्कुलेट करता है। और इसका जो फंक्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो दैट इज इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, एडहीजन एंड गैस एक्सचेंज। लोकोमोशन, एडहीजन एंड गैस एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसमें अम्बुलेक्रल ग्रूव है, दैट आर दीज आर द सीरीज ऑफ ऑसिकल्स। ऑसिकल्स आर द कैल्केरियस स्ट्रक्चर इन ईच आर्म। तो जो स्टारफिश की मूवमेंट है दैट इज स्टेपिंग मूवमेंट। स्टारफिश शो स्टेपिंग मूवमेंट बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ 2 फीट। और ये जो मूवमेंट है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। मूवमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और स्टारफिश में देयर आर प्रेजेंट 2 रोज ऑफ 2 फीट।
हर जो आम होता है ना उसमें 2 रोज़ ऑफ 2 फीट है। मैं वापस जाता हूँ, ये देखें इस डायग्राम में आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा नजर, लेकिन ये जो उसका आम है ना, एक रो इधर होगी 2 फीट की, एक इसके यहाँ पे होगी, ठीक है। देयर आर प्रेजेंट 2 रोज़ ऑफ 2 फीट। और ये जी वापस आते हैं हम, स्टारफिश जो है अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें तो दैट इज स्लो मूवर, 6 इंच पर मिनट, कोई ज्यादा स्पीड नहीं है, स्लो मूवर एनिमल है स्टारफिश, ओनली 6 इंच पर मिनट। दिस वन इज द डायग्राम टेकन फ्रॉम योर मिनरल हार्ले बुक। तो दिस इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें आप देख सकते हो जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो आपको मैंने करेक्टरिस्टिक्स में भी बताए थे, सीव लाइक स्ट्रक्चर, मेटरीपोडाइट है, स्टोन कैनाल है विच अराइज फ्रॉम द दिस रिंग, ठीक है, कोलियन वेसिकल है, टाइडमेंट बॉडी, ये सारे स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम्पूला है इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं, ये जो लेबल वरिंग कैनाल जहां से आपको बताया था स्टोन कैनाल निकलती है, और स्टोन कैनाल के एंड पे मेटरीपोडाइट है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अब जी कोई भी क्लास जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसके मेंटेनेंस सिस्टम आ जाएंगे, मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन से मुराद ये होता है कि उस एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है। तो मेंटेनेंस फंक्शन मीन द सम अप ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम। तो ये आप लोग, ये आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी जब आपने पढ़ा था तो ऐसे ही था, इनवर्टिब्रेट जो बाकी आपने पढ़े हैं, कोई भी जो फाइलम होता है उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन के बाद उसके मेंटेनेंस फंक्शन आ जाते हैं। तो अभी हम ये एस्टेरॉइडिया के पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट जो बॉडी सिस्टम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, या आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, और जिस प्रोसेस के तहत उसकी डाइजेशन होती है, दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टारफिश की फूड की। तो स्टारफिश की जो फूड है, दैट कंसिस्ट ऑफ मॉलस्क, उसमें काम्स आ जाती हैं, बल्कि ये क्लैम्स हैं, यहाँ से मेरे से ये गलत हो गया है टाइपिंग में, क्लैम्स हैं, ऑस्टर, ये दोनों क्लैम्स और ये जो ऑस्टर हैं, दीज आर मॉलस्क, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोड्स इनकी फूड है, विच आर द इंसेक्ट्स, स्मॉल फिश है, और सम स्टार फिशेस दे फीड ऑन डिट्रिटस, दिस वर्ड डिट्रिटस, डिट्रिटस इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, एंड सम स्टार फिशेस दीज आर कार्निवोर एंड सम आर ग्रेजर्स, ठीक है। और जो स्टार फिश है, दैट हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी, ये स्टार फिश की एक यूनिक फीचर है कि वो अपनी फूड को अपनी बॉडी से बाहर ही डाइजेशन शुरू कर देती है, एंड इट कैन हंट प्रे मच लार्जर देन दैट ऑफ इट्स माउथ साइज, अपने मुंह से भी बड़ा जो प्रे है ना उसको, उस पे ये हंट कर सकती है स्टारफिश, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने बात की है जी स्टारफिश की फूड आपको बताई, फिर स्टारफिश जो है ना वो कार्निवोर भी हो सकती है, ग्रेजर भी हो सकती है, एंड स्टारफिश जो है दिस हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड मोर देन देयर माउथ साइज। यानी इस स्लाइड में आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक जो एक डक्ट होती है, कैनाल होती है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टारफिश में सबसे पहले माउथ आ जाता है, ठीक है, माउथ जो है दैट इज द सेंटर ऑफ पोलर सर्फस, और माउथ लीड टू एसोफेगस, एसोफेगस स्मॉलर इन साइज होता है, एसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक जो है स्टारफिश का वो लार्जर है, लार्जर इन साइज है, और स्टमक लीड्स टू टुवर्ड्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है दैट इज शॉर्टर इन लेंथ, इंटेस्टाइन के बाद टेम्परेरी स्टोरेज होती है वेस्ट की इनटू द रेक्टम, एंड देन दीज आर एलिमिनेटेड थ्रू एनस। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, एसोफेगस, स्टमक,
स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट पार्ट इज द एनस। ठीक है, अब माउथ जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ओरल सर्फस एंड एनस जो है दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एबोरल सर्फस। नाउ यहां पे आपको मैंने बताया इस स्लाइड में कि जो स्टमक है स्टारफिश का दैट इज लार्जर इन साइज। तो स्टमक के दो पार्ट्स हैं, दो उसके एंड्स हैं, नंबर वन इज द कार्डिक एंड एंड नंबर टू इज द पाइलोरिक एंड। जो स्टारफिश का स्टमक है इसके दो एंड हैं, कार्डिक एंड एंड पाइलोरिक एंड। कार्डिक एंड जो है दैट इज लार्जर एंड इवर्सिबल। इवर्सिबल याद रखिएगा ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच कैन कम आउट, जो चीज बाहर आ सकती हो वो इवर्सिबल है। कार्डिक एंड ऑफ स्टमक इज इवर्सिबल एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन इट प्रोड्यूस सीक्रेशन। सेकंड जो पार्ट है दैट इज पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड जो है दैट हैज दैट इज द एबोरल स्टमक एंड इट हैज टू एक्सटेंशंस इनटू ईच आर्म। ठीक है, और इसी पाइलोरिक एंड के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है दैट इज पाइलोरिक सीका। पाइलोरिक सीका विच आर द ब्रांच्ड होलो ट्यूब एंड दीज पाइलोरिक सीका दीज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। पाइलोरिक सीका सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। सो देयर आर टू एंड्स ऑफ स्टमक, कार्डिक एंड पाइलोरिक। नाउ दिस इज द डायग्राम विच इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मिलर हार्ले एडिशन 5। तो ये स्टारफिश का ओवरऑल दिखाया है, ये उसके आर्म्स हैं, ये एनस है उसकी। ठीक है, ये आपको फिर पार्ट्स यहाँ पे बताए हैं। एबोरल पे पाइलोरिक स्टमक है, ओरल सरफेस पे कार्डिक स्टमक है। ठीक है, और ये पाइलोरिक सीका है जो भी आपको पिछली स्टैंड में बताया है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं एंड दिस वन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्टारफिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसकी जो एनस है, ये उसका माउथ है, एम्पूला, ये सारी सिनोम है। ठीक है, और ये मेन जो फोकस करना है आपने इसके स्टमक पे, स्टमक जो है इसका ओरल कार्डिक स्टमक है। ठीक है, और दूसरा एंड आपको मैंने कौन सा बताया था, ये उसका पाइलोरिक है। ठीक है, कार्डिक एंड पाइलोरिक। ठीक है, और ये आगे फिर लीड करता है टूवर्ड्स इंटेस्टाइन। अब जी फूड की जो डाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है दैट इज डिवाइडेड टू स्टेप्स। कोई भी एनिमल हो उसमें डाइजेशन के लिए दो ही स्टेप होते हैं, नंबर वन इज द इंजेशन एंड नंबर टू इज द डाइजेशन। इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। तो जो प्रिमिटिव स्पीशीज हैं स्टारफिश की, जैसे लोइडिया ये एक एग्जाम्पल है, दी स्टारफिश स्वेल होल प्रे, पूरे का पूरा शिकार जो ना मुंह में ले जाती हैं एंड स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन कार्डिक स्टमक। कार्डिक स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाती है। और अभी आपको मैंने पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया था कि जो स्टारफिश की फूड है दैट इज मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड। और मोलस्का आप लोग पढ़ चुके हो, मोलस्का आर द एनिमल विद हार्ड शेल। मोलस्का में हार्ड शेल होता है। अब इतना हार्ड शेल है उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, लेकिन स्टारफिश जो है ना इसके ऐसे एंजाइम होते हैं कि ये उस शेल को भी डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, और ज्यादा बल्कि ऐसा होता है कि जो शेल है जो बहुत हार्ड है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता दैट इज इजेक्टेड थ्रू द माउथ। और बाकी जो उनकी जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है ये मोलस्क, उनकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है दैट इज देन पास टूवर्ड्स द पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, तो इंजेशन में स्टार्ट होती है कार्डिक स्टमक में जाके, और वहां से जो शेल और इन एडेबल जो मटेरियल है, शेल बहुत हार्ड है डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो दैट इज इजेक्टेड थ्रू द माउथ। और जो फिर सेमी डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है दैट इज पास इनटू द पाइलोरिक स्टमक। अब इंजेक्शन हुई, उसके बाद अब जो उसकी ब्रेकडाउन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा दैट इज डाइजेशन। इसमें ट्यूब फीड भी इंपॉर्टेंट है। ट्यूब फीड जो है दे आर अटैच टू द आउटसाइड ऑफ शेल वाइल बॉडी वाल मसल ओपन द वॉल्व्स। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश की है स्लाइड में, कि जो एडवांस वेल डेवलप्ड स्पीशीज हैं उनमें जो वॉल ओपन जब होता है अबाउट
0.1 mm, तो सिलोमिक जो प्रेशर है दैट इज इंक्रीज्ड व्हेन द वॉल ओपनिंग इज अबाउट 0.1 mm, सिलोमिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड, और जब सिलोमिक प्रेशर इंक्रीज होता है इट इजेक्ट्स, इट कॉज द इजेक्शन ऑफ कार्डिक स्टमक इनटू द बाइवॉल्व शेल. जो कार्डिक स्टमक है ये आपको मैंने बताया था इवर्सिबल है, इट कैन इजेक्ट इनटू द बाइवॉल्व शेल. ये बाइवॉल्व जो ना ये मोलस्का है, ठीक है, और वहां पे फिर जाके देयर इज रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होंगे व्हिच कॉज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, जिसे जो बाइवॉल्व है ना उनके जो शेल के यहाँ पे एक मसल का नाम दिया हुआ है, दिस वन इज द एडक्टर मसल. एडक्टर मसल जो है ना ये वो मसल हैं जिन्होंने शेल के पीसीस को जोड़ा होता है. ये बाइवॉल्व मोलस्क अगर आप रिमाइंड करें, आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी में, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, बाइवॉल्व मोलस्क आर दोस इन विच शेल इज प्रेजेंट इन टू टू हाफ्स, बाई मीन टू, वेल मीन हाफ. तो इनमें जो शेल होता है दो हाफ में होता है, ठीक है, तो ये जो बाइवॉल्व है इनमें जो दोनों हाफ है दे आर अटैच टू एडक्टर मसल. तो जो कार्डिक स्टमक है वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं विच कॉज द विच वीकन्स द बाइवॉल्व एडक्टर मसल. फिर शेल ओपन होता है और आपको मैंने बताया कि जो फिर आगे जो है ना वो डाइजेशन का प्रोसेस चल के जो ना पाइलोरिक स्टमक में जाके जो ना कंप्लीट होता है, और वहां पे जो इनएडेबल पार्ट्स होते हैं जैसे शेल है, हार्ड पार्ट है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब जी मेंटेनेंस फंक्शन में जैसे आपको बताया था कि हम जो भी क्लास स्टडी करेंगे हम उसके डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं. तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया, ये देखिएगा आपको मैं पीछे स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ, ये यहाँ से शुरू हुआ था हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. पहली स्लाइड में आपने उसकी फूड के बारे में पढ़ा, फूड उसकी कैसी है, फिर उसका बिहेवियर बताया, एनिमल फीड किस पे करता है, फिर आपको मैंने बताया जो कंपोनेंट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, फिर आपको स्टमक के पार्ट्स के बारे में बताया कि कार्डिक और पाइलोरिक एंड होते हैं, ठीक है, और फिर ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, और ये प्रोसेस, ठीक है जी. अब नया बॉडी सिस्टम इनका आ रहा है, गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं. तो गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द सिलोम थ्रू डिफ्यूजन. कोई बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम इसमें नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, ठीक है. तो डर्मल ब्रैंकी के थ्रू और ट्यूब फीड के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का जो ना एक्सचेंज होता है. और जो एक आप लोगों ने ये सिस्टम पढ़ा भी हुआ हीमल सिस्टम, हीमल सिस्टम जो है ना ये शुरू वाले लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज द वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज व्हिच एनसर्कल द माउथ नियर द रिंग कैनाल. और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के वाले से, जो स्टार फिशेज हैं दे प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया प्रोड्यूस होता है इसमें. और अमोनोटेलिक, ये लफ्ज मैंने लिखा हुआ है, अमोनोटेलिक आर द एनिमल विच प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमोनिया जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है जी. तो ये जी इसमें अमोनोटेलिक हैं, सो देर आर प्रेजेंट नो डिस्टिंक्ट और वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है जी. ये सिस्टम आपको क्लियर हो गया. अब आज के लेक्चर के लिए जो लास्ट सिस्टम है इसका, दैट इज सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम. तो स्टारफिश में कोई भी वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, बट स्टिल दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स टच, लाइट, टेम्परेचर, ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, एंड स्टेटस ऑफ वाटर अराउंड देम, यानी स्टारफिश को अंदाजा होता है कि वो इस टाइम पानी में कितनी डेप्थ पे है, कितना वाटर प्रेशर है, ठीक है. तो ये उसमें वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन तो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज सेंसेस. और जो मोस्टली जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ट्यूब फीट, मोर सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ट्यूब फीट, एंड
रिसेप्शन ऑफ दीज केमिकल दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। इसके अलावा जो सेंसरी रिसेप्टर है ट्यू फीट पे है, स्पाइंस पे भी होते हैं और पेडिसलरी, दे कंटेन मोर सेंसरी रिसेप्टर्स। आई के वाले से दे स्टार फिश दीज हैव स्पेशलाइज्ड आई स्पॉट्स विच आर कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर एट द टिप ऑफ आर्म। और ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ आर्म। और ये जो आई स्पॉट्स हैं टेक्निकली कहते हैं ओसिलाई, दीज कंटेन सिंपल ओसिलाई और 80 to 200 सिंपल ओसिलाई जो ना प्रेजेंट होती है इनकी आर्म्स की टिप पे। नर्वस सिस्टम के वाले से नो सेंट्रलाइज्ड ब्रेन, नर्वस सिस्टम जो है दे सिंपली कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग अराउंड द माउथ, रेडियल नर्व्स हैं विच रन अलोंग द एम्बुलेक्रल रीजन ऑफ ईच आर्म। CNS के बाद हम बात करेंगे PNS। PNS इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं, देयर आर प्रेजेंट टू नर्व्स, अ सेंसरी सिस्टम इन एपिडर्मस और दूसरी तरफ जो है मोटर सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सिनोमिक कैविटी। तो जो PNS है दैट कंसिस्ट ऑफ टू नर्व नेट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो बात की है ये एस्टेरॉइडिया की है। आज के लेक्चर में हमने बात की एस्टेरॉइडिया के बारे में, एस्टेरॉइडिया के बॉडी सिस्टम पढ़े। क्या आपको मैं दोबारा कंटेंट्स पे लेके जाता हूँ, ये देखिएगा एस्टेरॉइडिया का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, फिर उसकी सर्फिस के बारे में आपको मैंने बताया, ओरल और एबोरल सर्फेस उसकी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हमने बात की, फिर उसके न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस किया और लास्ट पे गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम ये जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम एस्टेरॉइडिया के जो बाकी सिस्टम रह गए हैं जिसमें रीजनरेशन है, रिप्रोडक्शन है, उसकी हम जो ना बात करेंगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन स्लाइड्स को अच्छी तरह जरा अपनी बुक से भी गो थ्रू करें। कल तक के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।